आपका क्वेश्चन है इफ द पॉइंट पी कॉमा क्यू एक्स कॉमा सेवन आर एस इज सिक्स कॉमा वाई इन दिस ऑर्डर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए टू कॉमा पी एंड बी सेवन कॉमा टेन इन फाइव इक्वल पार्ट्स फाइंड एक्स वाई एंड पी। तो इसको समझो, तो हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, तो दिस इज योर लाइन सेगमेंट, दिस इज योर ए और ये हो गया आपका बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं इसने, टू कॉमा पी, ठीक है। नेक्स्ट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं सेवन कॉमा टेन और इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या होगा आपका एक इधर सेकंड इधर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और उसके नेम भी इसने दिए हैं, कैसे दिया है देखो, पी इज फर्स्ट, सेकेंड इज क्यू, फिर आर है, फिर एस। इसके अंदर इसने क्या किया है, कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो देखो क्यू का कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा सेवन, एक्स कॉमा सेवन, और एस का दिया है सिक्स कॉमा वाई। नाउ अब देखो आपको कैसे निकालना है वैल्यूज, कौन कौन से निकालने हैं, वैल्यू आपको निकालना है एक्स वाई एंड पी, यानी कि ये वाला एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई क्या होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। तो ये देखो हम जब स्टार्ट करेंगे तो कैसे करना है आपको, जो कोऑर्डिनेट्स हमको मैक्सिमम पता है वो लिखना है, जो कोऑर्डिनेट्स हमको मैक्सिमम पता है वही लिखना है। तो यू कैन सी हियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं यहां तक। तो देखो आपका एस इज योर एक्स कॉमा वाई और ये हो जाएगा आपका एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हो जाएगा आपका एक्स टू कॉमा वाई टू। तो यहां तक देखो वन टू, तो ये हो गया एम इज इक्वल टू टू एंड एन इज इक्वल टू वन, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है। तो यहां पर है आपका x, x इज सिक्स, तो सिक्स इज इक्वल टू m इज टू, टू इंटू एक्स टू, एक्स टू इज सेवन प्लस n, n इज वन, वन इंटू एक्स वन दैट इज योर x बाय टू प्लस वन, तो ये देखो थ्री हो गया, थ्री इंटू सिक्स इज एटीन, तो यहां पर कितना हो गया देखो 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, 3 इंटू सिक्स इज 18, 14 को यहां पर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इज 4, तो ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो गया 4, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू निकालना है y का, तो y इज y ओनली, तो यहां पर लिख दिया हमने y और क्या हो गया आपका देखो m, m कितना है हमारा 2,
y2 is 10 plus n is 1 and y1 is 7 by 3. तो कितना हो गया 20 plus 7 by 3, that is equal to 27 by 3 is equal to 9. तो y is 9, ये वाली वैल्यू हमारी हो गई 9. अब इसको हटा दो. ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया. नेक्स्ट, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ p की वैल्यू. तो p की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी दो टर्म्स ले. तो हमने क्या किया, ये दोनों ले लिए, ये और ये, है ना. तो यू कैन सी ये हमारा मिड में आ रहा है, तो वी विल गो फॉर अ मिड फॉर्मूला. क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू. ठीक है, तो अब जो वैल्यू हमको डालनी है वो क्या है, ये वाला q हमारा मिड में है, तो इसको हम लिखेंगे x कॉमा वाई. यहां पर जो वैल्यू डालेंगे x एंड y की, फर्स्ट वाला हमारा आ जाएगा x1 कॉमा वाई वन, और s वाला हमारा आ जाएगा x2 कॉमा वाई टू. तो देखो क्या है, x इज 4, तो इधर आ गया 4 इज इक्वल टू x1 इज 2, 2 प्लस 6 बाई 2. ठीक है, तो ये देखो क्या आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4. तो 4 इज इक्वल टू 4. ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमको पहले से पता है, इट इज 4. अब आपको क्या निकालना है, p की वैल्यू, दैट मीन्स आपको y निकालना है. तो y इज 7 इज इक्वल टू p प्लस y, यहां पर है 9, y2 इज 9 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा p प्लस 9 इज इक्वल टू 14. तो p इज इक्वल टू 14 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू इज 4, y की वैल्यू इज 9 एंड p की वैल्यू इज 5.